हेलो दोस्तों, वेलकम टू राइट टेक रिव्यूज। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ के साथ इस बेल आइकन पे क्लिक करें और सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद आप इसे सेव कर दें ताकि आप देख पाए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, वेलकम टू राइट टेक रिव्यूज। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं Xiaomi Mi Band 4 का रिव्यू और अनबॉक्सिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में है Mi Band 4। और अगर बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो आप देख सकते हैं इसमें आपको रनिंग, स्विमिंग, इसके अलावा और भी मल्टीपल स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप इसमें ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको देखने को मिलती है कलर डिस्प्ले और SMS और कॉल नोटिफिकेशंस और मल्टीपल ऐप्स के नोटिफिकेशन इसमें आपको मिलेंगे। इसके अलावा आप इसमें स्लीप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। पीछे की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी डिटेल चाइनीज़ में दी गई है, क्योंकि ये चाइनीज़ वर्जन है और इसको हमने बाय किया है gearbest.com से, और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप चाहे तो वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको कोई भी कस्टम चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको फटाफट से ओपन करते हैं और देखते हैं अपने Mi Band 4 को। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं बॉक्स को हमने ओपन कर लिया है। और बॉक्स ओपन करने पे सबसे पहले हमें देखने को मिलता है ये हमारा Xiaomi Mi Band। इसके अलावा देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या कंटेंट्स दिए गए हैं। अगर हम बात करें अगले कंटेंट की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक यूज़र मैनुअल देखने को मिलता है। अगर बात करें इस यूज़र मैनुअल की तो इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों में दिया गया है। अगर आप Mi Band का पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आप यूज़र मैनुअल को पढ़ सकते हैं, और इसको यूज़ करना काफ़ी ईजी है। आप काफ़ी आसानी से इसको सेटअप कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चाइनीज़ में दिया गया है, और पीछे की तरफ बात करें तो ये इंग्लिश में भी दिया गया है। दोस्तों, यूज़र मैनुअल के अलावा इसमें हमें देखने को मिलता है एक और कंटेंट, जो कि है एक USB केबल, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसके थ्रू आप अपने Mi Band 4 को चार्ज कर पाएंगे। इसमें आपको स्टैंडर्ड USB A टाइप पोर्ट देखने को मिलता है, जिसको आप अपने किसी भी फ़ोन के अडेप्टर में लगा के और Mi Band 4 को चार्ज कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए हम इसको साइड में रखते हैं और चलते हैं अपने Mi Band 4 की तरफ। तो दोस्तों, ये है Mi Band 4, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर बात करें इसके बिल्ड क्वालिटी की तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी इसमें आपको देखने को मिलती है। स्ट्रैप काफ़ी कंफर्टेबल इसमें दिया गया है, और इसको एडजस्ट करने के लिए पीछे की तरफ आपको काफ़ी सारे होल्स देखने को मिलते हैं। आप इसको अपने रिस्ट के अकॉर्डिंग आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलती है 0.95 इंच की एमोलेड कलर डिस्प्ले, और जो कि टच स्क्रीन है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके कनेक्टिविटी की तो इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलता है। पीछे की तरफ आपको देखने को मिलता है बिल्ट इन हार्ट रेट सेंसर। इसके अलावा इसमें आपको देखने को मिलेगी 135 mAh की बैटरी, और ये 50 meters तक वाटर रेजिस्टेंट है, यानी कि आप इसको पहन के स्विमिंग भी कर सकते हैं और अपनी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को भी ट्रैक कर पाएंगे। तो बात कर लेते हैं इसको चार्ज करने की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पीछे की तरफ आपको दो पॉइंट्स देखने को मिलते हैं Mi Band 4 में, और ये चार्जिंग डॉक है जिसपे आपको मैच करके इस कनेक्टर के साथ आपको इसको लगा देना है, और आप उसके बाद किसी भी अपने मोबाइल के पावर अडेप्टर में लगा के इसको चार्ज कर सकते हैं। इसको चार्ज होने में लगभग 2 घंटे का टाइम लगता है। दोस्तों, Mi Band 4 को अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको Mi Fit ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से Mi Fit ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पर लॉगिन करना है। आप चाहे तो अपने गूगल अकाउंट से भी वहां पर लॉगिन कर सकते हैं, और उसको लॉगिन करने के बाद आप जैसे ही अपने Mi Band 4 को अपने फ़ोन के साथ पेयर करेंगे, ऑटोमेटिकली इसकी लैंग्वेज जो है चेंज हो जाएगी, और इसकी लैंग्वेज चाइनीज से जो है इंग्लिश में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से इसमें लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, Mi Band को अपने फ़ोन के साथ पेयर करने के बाद आप Mi Fit ऐप के थ्रू काफ़ी सारी मल्टीपल कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि बैंड फेस को आप चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे बैंड फेस देखने को मिलते हैं, जो कि आप अपने
पसंद के अकॉर्डिंग जो है चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस को अनेबल कर सकते हैं, एसएमएस और कॉल अलर्ट्स भी इसमें आप अनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना म्यूज़िक भी इस बैंड के थ्रू कंट्रोल कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें ओवरऑल इसके वैल्यू फॉर मनी की, तो लगभग आपको ये 2200 से 2300 रुपये में मिल जाएगा gearbest.com पे। और अगर आप इसको इंडिया में शिप करते हैं तो आपको लगभग 10 दिन का टाइम लगता है, और इसके ऊपर कोई भी कस्टम चार्जेस आपको नहीं देने पड़ते। तो अगर इसको आप बाय करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके इसको बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास Xiaomi Mi Band 4 के अलावा और भी Xiaomi के प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप इनकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाले कुछ ही दिनों में मैं इनके रिव्यूज़ और अनबॉक्सिंग वीडियोज़ डालने वाला हूँ, तो अगर आप इसको मिस नहीं करना चाहते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ के साथ हमें